और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला लेक्चर जहां पर हमने दो प्रोजेक्टाइल मोशन हीरो एंड हीरोइन को देखा, कहां उनको प्रोजेक्टाइल पर बैठा करके। और याद करो, अगर प्रोजेक्टाइल बी से ए को देखा गया तो आया था मोशन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द वेलोसिटी जो आपकी आई थी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी एट रेस्ट, वॉज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। एंड एक्सिलेशन जो आया था, एक्सिलेशन ए बी, उसकी वैल्यू भी जीरो आई थी। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि जो मोशन ऑब्जर्व होगा वो कैसा होगा मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अच्छा, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे कब कोलिजन होगा, कितने समय बाद कोलिजन होगा, और अगर कोलिजन होगा तो कंडीशन क्या होगी। आओ समझते हैं इसके आगे। तो ध्यान दो मेरे बच्चे, आपके सामने सिनारियो ये है कि जो हीरो है वो जा रहा है VAB से इस डायरेक्शन। ऑब्वियसली इस हीरो के पास देयर आर टू वेलोसिटीज, एक इस डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी का नाम है Vx, जो कि ये पार्ट है Vx, और एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जिसकी वेलोसिटी का नाम है Vy, जो है इसकी तरफ, ये है, यानी ये पार्ट आपका हो गया Vy। मेरे बच्चे, अगर हीरो को हीरोइन को मिलना है तो भाई साहब कौन सी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। भाई एक बात बता, हीरो बोलता है मेरी दोनों वेलोसिटी हैं, Vy भी है और Vx भी है। हीरोइन बोलती है मैं तो ग्राउंड पे हूं, और अगर तेरी वेलोसिटी Vy हुई तो भाई साहब हमारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, फॉर कोलिजन टू अकर, फॉर कोलिजन टू अकर, Vy शुड बी इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट U1 साइन थीटा 1 की वैल्यू U2 साइन थीटा 2 के बराबर हो जाए। दिस कॉल्ड दी कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन ऑफ कोलिजन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई मेरे बच्चे, कोलिजन होगा, हीरो हीरोइन से मिलेगा और झापड़ देखता रह जाएगा। याद रखिएगा, ये कहानी है सिंपल लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। सर ठीक है सर, कोलिजन समझ में आ गया सर। अगर सर जी इन दोनों का वाई कंपोनेंट एक दूसरे को काटता नजर आ जाए तो भाई साहब कोलिजन होगा, जरूर होगा, और संगम जरूर होगा मेरे बच्चे। लेकिन कितने समय बाद, हमने टेंशन क्या लेनी सर। अगर ये कंपोनेंट जीरो हो गया, और अगर आप होती हीरोइन तो पूछती हीरो कहां आ रहा है, सर हीरो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, उसकी वेलोसिटी क्या है, सर Vx है। उसे दूरी क्या तय करनी है, सर S। तो भाई साहब टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे इज डिस्टेंस अपॉन Vx, एंड दैट इज इक्वल टू S अपॉन U1 cos theta 1 plus U2 cos theta 2। अरे सर क्या बकवास फॉर्मूले थे और क्या बकवास कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोलिजन होता है तो कब कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो किस टाइम पे होगा, जानने के लिए हमारे पास एक जोरदार प्रश्न अवेलेबल है। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ आ गया है तो कई बार ये दिया रहता है कि कोलिजन होगा, और कई बार ये कंडीशन निकालनी होती है कि कोलिजन कैसे होगा, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बताओ जरा कमेंट करके कोलिजन की कंडीशन क्या होती है। सर बहुत सिंपल है, इसका कंपोनेंट और ऐसा कंपोनेंट क्या हो जाए, बराबर U1 साइन थीटा 1 बराबर U2 साइन थीटा 2, तो कोलिजन जरूर होगा। आई होप समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़े। मान लो ये कंपोनेंट बराबर ना हो तो कोलिजन तो नहीं होगा। जब कोलिजन नहीं होगा तो क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए गए। पहला कॉन्सेप्ट समझाया गया आपको, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन टू अकर, ये वन स्टार स्टार स्टार। व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, आपके लिए एक और डब्बा, ये दोनों डब्बे बना लेना अपने नोट्स में, ये काफी जोरदार है, काफी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में कई बार पूछे गए हैं कि हीरो हीरोइन का कोलिजन कितनी देर बाद होगा। मान लो ऐसा ना हो सका, कोलिजन ना हो सका, तो अगला प्रॉब्लम क्या आ सकता है, जरा समझो। अगला प्रॉब्लम ये आ सकता है, मान लो हीरो है यहां पर और हीरोइन है यहां पर,
हीरो ने हीरोइन, हीरोइन ने हीरो को देखा, वेलोसिटी वी ए बी आई, जिसका फॉर्मूला लंबा लंबा आपको आता है। ये दूरी है आपकी, मान लो ये दूरी है मान लो आपकी एस। आपसे पूछा गया है कि मान लो पहले चेक करो कोलिजन होगा कि नहीं होगा, और चेक करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी, दोनों का वर्टिकल कॉम्पोनेंट बराबर होंगे तभी कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा भाई कोलिजन नहीं हुआ, भाई कोलिजन नहीं हुआ, तो भाई मोशन कैसा हो, तो मोशन कैसा होगा जब समझने के लिए हमने हमने ए बी से पूछा, थोड़ा ऊपर मत जाओ यार, थोड़ा नीचे नीचे आओ भाई, थोड़ा नीचे नीचे आओ और बताओ कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगला क्या बोला आपने, व्हाट इज द थर्ड वाला क्या है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि भाई कितना नजदीक पहुंच जाएंगे। वो नजदीक बेटा एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली जब कहानी समझोगे तो होगा क्या, अगर देखा जाए और सच में मोशन देखा जाए तो ये ऐसे मूव करेगा और मैडम ऐसे मूव करेंगी, ए ऐसे मूव करेंगे, तो कुछ ऐसा मोशन होगा। तो यहां पर कहीं पर हमारे पास एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगी, बट हम ये नहीं जानना चाहते कि वो कहां पर आएगी। वो हम निकाल सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस समय होगा, उस समय इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उससे डिस्टेंस निकल सकती है। बट वो चूल्हे में जाने, तो भाई साहब आपसे पूछा गया है वो सबसे नजदीक डिस्टेंस उन दोनों के बीच में क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा भाई ये दोनों उड़ते उड़ते दिखाई देंगे तो हमको ना हो पाएगा, ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना चाहते हो सर, सर मैं चाहता ही हूं कि अगर काश ऐसा होता, अरे काश क्या होता, ये तो ऐसा जाएगा ही जाएगा। और सर जी ये एंगल क्या आएगा, सर ये एंगल सर होगा जिसका नाम होगा फाई, और बच्चे को पता है टैन फाई की वैल्यू इज वी वाई बाय वी एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर वी वाई और वी एक्स, तो ध्यान दिया जाए तो ए बी का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो बी ने पूछा मेरे सबसे नजदीक ये कब है, तो हमने कहा देखो मैडम सबसे नजदीक कब है जानने के लिए काम करो आप, क्या जी आप ना यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हमने कहा ये परपेंडिकुलर का कुछ नाम दे दो, लेट से जहां मीट करते हैं वो पॉइंट पी है, तो क्या मेरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज पी बी, और पी बी इज माई क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप देखते हैं हमारे पास बेस अवेलेबल है, हमारे पास ये एंगल अवेलेबल है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ध्यान दो हाइपोटन्यूज अवेलेबल है, तो हम कौन सा बंदा यूज करेंगे, सर हम यूज करेंगे साइन फाई, सर वो हमें कहां से मिलेगा, सर टैन फाई से निकालेंगे साइन फाई, और एक बार साइन फाई आ गया तो वो होगा परपेंडिकुलर पीबी अपॉन बेस ए बी, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर पीबी अपॉन हाइपोटन्यूज ए बी, ए बी की वैल्यू है एस, तो पीबी की वैल्यू है, पीबी की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू इज एस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इन टू साइन पाई, दैट इज दी नजदीक दूरी जो उन दोनों की होगी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर जी क्या क्या पढ़ाया सर, सर जी तीन फॉर्मूले चार फॉर्मूले, इसमें ख्याल से तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको, और मैं अगर आपसे पूछ लूं ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये डिस्टेंस होगी कितनी, वो तो निकाल लोगे, ये समय कितना होगा, ये समय निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगला लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे सर, समय और टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, कितने समय बाद, भाई देख परेशान ना हो, आपके पास वी ए बी अवेलेबल है, तो एक काम करो हमेशा मॉड वी ए बी निकाल लेना, मॉड वी ए बी विल गिव मी दी स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी इस डायरेक्शन। अब अगर हमें टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी सर एकदम सही है सर, स्पीड क्या है सर, मॉड वी ए बी, अच्छा जी सर एकदम सही है सर, बट ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज ए पी, आओ देखते हैं, ध्यान दो अगर हम कॉस फाई निकालने गए तो वो होगा ए पी अपॉन एस, ए पी है भाई ए पी, अरे यार ए पी है भाई, ए पी है भाई, तो ए पी अपॉन एस, तो मेरे बच्चे ए पी की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई मेरे बच्चे एस कॉस फाई, तो टाइम कितना है भाई,
टाइम बहुत ही सिंपल हुआ सर, टाइम हुआ सर, टाइम हुआ, टाइम हुआ, टाइम हुआ, टाइम हुआ, टाइम हुआ, कि एस कॉस फाई इज माई डिस्टेंस अपॉन मॉड ए बी, जो भी आया उतने समय बाद वो जाएगा पी पर पहुंच जाएगा और उतने समय बाद हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। है ना जोरदार सवाल, है ना। देर आर फाइव इंपॉर्टेंट, फोर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए। शुरू करते हैं एक बार, जरा रिवाइज करते हैं एक बार, और अगर हम रिवाइज कर रहे हैं और अगर आपको आया मजा तो क्यों ना एक लाइक बटन दबाया जाए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो भाई साहब इस पर प्रश्न करने हैं और जोरदार जोरदार प्रश्न करते हैं। आओ देखते हैं केस। आपके सामने जो पहला प्रश्न, पहला पहला कॉन्सेप्ट आया वो आया वेलोसिटी निकालने का। हर बच्चे को आता है वेलोसिटी कितनी है। अगर वेलोसिटी हमें आ गई, लेट्स से, एंड प्लीज रिमेंबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, यू नीड टू रिमेंबर ये कैसे आती है, यू नीड टू रिमेंबर ये एक स्पेसिफिक केस के लिए निकाली गई है मेरे बच्चे। अगर हीरोइन को उधर फेंक दिया जाए तो कहानी अलग हो जाएगी, इक्वेशन अलग हो जाएगी, सॉल्यूशन फिर भी सेम रहेगा, केवल ये पहली इक्वेशन अलग हो जाएगी, Vx और Vy में चेंजेस आएंगे। अगर आपने कमेंट किया है तो Vx में चेंज आएगा, Vx में केवल यहां पर निगेटिव आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला, ध्यान देना। अगेन यू हैव दिस, सबसे पहले आपने एक्सेशन निकाल लिया, फिर आपने कहा कोलिजन के लिए बेटा, कोलिजन के लिए ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं जाना है, सीधे मैडम की तरफ जाना है। इसका मतलब है केवल Vx वेलोसिटी चाहिए, यानी Vy वेलोसिटी नहीं चाहिए, और अगर Vy वेलोसिटी नहीं चाहिए तो एक कंडीशन आती है कोलिजन की, जो कि है वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स आर बराबर, u1 cos sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2। ये कंडीशन वो कंडीशन है जिस पर कोलिजन होगा। ओके, कोलिजन हो गया तो भाई साहब कितना समय लगा, समय के लिए टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस s है, वेलोसिटी vx है, हमारे पास कोलिजन का टाइम निकल आता है। बट अगर भाई साहब कोलिजन ना हो पाया और झापड़ की तमन्नाएं पूरी हो गई कि इन दोनों ना मिल पाए तो क्या होगा, उनके बीच में एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगी और मेरे बच्चे उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। हम देखेंगे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्लोजेस्ट वाले केस में हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मीट करेगा वेलोसिटी वाली डायरेक्शन से वो पॉइंट होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने ठीक है सर, ताओ BP इज माय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम ट्रायंगल से निकालते हैं, साइन हमारे पास, साइन से हमारा आ गया। एक बार हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई तो हमने कहा भाई साहब क्या बात है, बहुत ही सिंपल था सर, कोई टेंशन ना है। एक बार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई तो हमारा दिमाग और घूम गया, नहीं 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 कितनी देर बाद होगा वो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे कॉस यूज करके और वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी मतलब स्पीड से डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, एंड विल गेट दी टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटा ये जो पार्ट ऑफ द लेक्चर है वो है प्योरली ऑन हाउ टू एनालाइज द सिचुएशंस हैपनिंग विद प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट जरूर करें, मजा आया है तो भाई साहब शेयर जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो हम खतरनाक प्रश्नों को लेकर के आएंगे, आंखें बाहर प्रश्नों को लेकर आएंगे, तो दुनिया के लिए लगेंगे आंखें बाहर होने वाली हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हर क्वेश्चन एक हलवा क्वेश्चन होता है अगर कॉन्सेप्ट सही पकड़ा गया। तो एक और जबरदस्त वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए इनको पढ़ो, इनको खुद डिराइव करो, कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करो, और याद रखना सब्सक्राइब करो यार, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस पर जोरदार प्रश्न आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं और लगाए कैसे जाते हैं। बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।